हेलो स्टूडेंट्स, तो सोनाक्षी अकेडमी मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं, ठीक है। और IUPAC नोमेनक्लेचर का ये 6th लेक्चर है और फंक्शनल ग्रुप का ये पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो आज हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर बातें करनी है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये एक अलग से लेक्चर बना रहे हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन एल्डिहाइड और कीटोन कंबाइन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी स्टडी है वो कंपेरेबल है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट के पास इस लेक्चर इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाकर डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में अपने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था, आज अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर बातें करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपके किसी कंपाउंड के अंदर आपको ये फॉर्मूला मिलेगा COOH। अगर आपको कंपाउंड में ये फॉर्मूला दिख जाता है तो आप उसे डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बुलाएंगे। अब इसका जो खुल के स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है कि यहाँ से तो ये चेन से जुड़ेगा, इस बॉन्ड से। यहाँ होगा कार्बन और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर होगा OH, ठीक है। ये इसका खुल के स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस OH को आप ऐसे भी लिख सकते हैं COO, यहाँ पे O और यहाँ पे H, ठीक है। तो ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट किया जाता है COOH से, और इसका जो खुल के स्ट्रक्चर होता है वो COO और यहाँ पे OH होता है, और इस OH को भी आप ऐसे खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया। यहाँ कार्बन की देखो वैलेंसी पूरी हो रही है क्या, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ऑक्सीजन की 2 होती है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की 2 ही है और हाइड्रोजन की 1, ठीक है। वैलेंसी यहाँ पे पूरी हो रही है। अब अगर इसकी बात करें तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, वो इसके लिए होता है ओइक एसिड, ठीक है। क्या होता है? ओइक एसिड। तो ओइक एसिड है वो आप लगाएंगे, और जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं COOH और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है अपना कंपाउंड। तो इसको इसका अगर आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तो देखो, वन कार्बन को तो बोलते हैं मेथ, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे हो जाएगा N, और ये क्या होगा इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो आप क्या लगाओगे? ओइक एसिड, तो ओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो AEIOUY में से अगर 2 लेटर पास में आता है तो पहले वाला कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? मेथेनोइक एसिड, ठीक है। क्या होगा इसका नाम भाई? मेथेनोइक एसिड। ये इसका IUPAC नेम है, और इसका जो कॉमन नेम है वो बड़ा फेमस है, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है। और इसका अगर यूज़ की अगर बात करें तो इसका जो यूज़ होता है वो एंड स्टिन, ठीक है, यानी कि लाल चींटी के डंक में होता है, ठीक है। रेड एंट लिख लेना आप, रेड एंड स्टिन। और एक जो कैक्टस पौधा होता है उसके अंदर भी ये जो फॉर्मिक एसिड है वो पाया जाता है, ठीक है। तो लाल चींटी के डंक में और कैक्टस होता है ना जो डेजर्ट के अंदर पाया जाता है, उसमें दोनों में क्या होता है आपका? फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, मेथेनोइक एसिड होता है। सेकंड अगर हम एग्जांपल लें तो ये लो CH3COOH, ठीक है। इसका नाम पूछ ले तो यहाँ पे 2 कार्बन है, देखो ये कार्बन भी आपका काउंट होगा भाई, याद रखना भाई, ठीक है ना। ये जो COOH लिखा है ये भी आपका काउंट होगा, ठीक है। तो 2 कार्बन हो गए, और 2 कार्बन हो गए तो 2 कार्बन को अपन बोलते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ओइक एसिड लग जाएगा, ठीक है, ओइक एसिड। और अपना ये यहाँ पे ई हट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम है वो है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। अगर इसकी यूज़ की अगर बात करें तो इसका यूज़ होता है अपने विनेगर में, ठीक है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड का उपयोग लिया जाता है। तो ये हो गए अपने 2-3 पॉइंट। वाक्य आप खुद से लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन कर दीजिएगा तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। कार्बन बढ़ाते जाना, नाम चेंज होता जाएगा। तो इसके अंदर ये नॉर्मल है अपने, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आप इतना ही याद रखें कि सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड लगता है, और फिर आप कोई भी कंपाउंड हो तो मेथेनोइक एसिड हो जाएगा, पीछे ओइक एसिड लगाना है आपको।
तो ये होता है इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर। और इनके कॉमन नेम भी बड़े फेमस है, कई बार पूछ लेते हैं कि फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए, एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, एसिटिक एसिड का। तो ये अपना कॉमन नेम है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड और उसका होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। एक कार्बन होता है तो उसे हम बोलते हैं फॉर्म, और दो कार्बन होता है तो उसे बोलते हैं एसिटेट, ठीक है। तो ये आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कर लीजिए, तो अपने यहाँ पे ये चार क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर करना है, तो देखते हैं किस प्रकार से होगा। सबसे पहला एग्जांपल देके इन सभी का यूपीएससी नोमेनक्लेचर करना है भाई। तो सबसे पहला अपना काम क्या होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट कीजिए। अब जब आप यहाँ पे कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे तो जो ये देखो यहाँ पे क्या है, सी ऊपर हो और यहाँ पे हो, यानी सी डबल ओ एच, अपने आपको इसकी स्ट्रक्चर बता दी थी। तो अब ये जो कार्बन है, इस ओइक एसिड वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है ना, तो ये भी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये अपना बन जाएगा पेरेंट चेन, ठीक है, ये पेरेंट चेन हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो नंबरिंग आप देखो कहाँ से करोगे, मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था कि फंक्शनल ग्रुप को आपको पहले देखना है कि उसे कम से कम नंबर मिले, फिर देखना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर देखना है आपको सब्सिट्यूएंट को या ब्रांच को, ठीक है, सब्सिट्यूएंट या ब्रांच को। ये देखो पहले तो फंक्शनल ग्रुप है ये रहा, तो इसको आप एक नंबर दोगे, क्योंकि भाई पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की होती है। तो एक नंबर आप यहाँ दो, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, पाँच, छः और सात, ये नंबरिंग हो गई। अब आपको नोमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले आप सब्सिट्यूएंट या ब्रांच का नाम लिखते हो, ठीक है, क्योंकि टू डिग्री प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो एक तो है ब्रोमीन और एक है नाइट्रो, तो ब्रोमीन और नाइट्रो में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ब्रोमीन आता है। तो ब्रोमीन का पहले नाम लिखो, तो थ्री ब्रोमो, अल्फाबेटिकली वाइज नाम लिखना है, तो थ्री ब्रोमो फोर नाइट्रो, टोटल कार्बन है सात, तो सात के लिए अपने वर्ड रूट लगाते हैं हेप्ट, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और वन पे क्या है आपका ओइक एसिड, और ये ई आप हटा देना, क्योंकि ए ई आई ओ यू वाई में से अगर दो लेटर पास में आता है तो पहला वाला लेटर कैंसिल हो जाता है। तो ये इसका नाम हो जाएगा थ्री ब्रोमो फोर नाइट्रो हेप्टेनोइक एसिड। फिर सेकेंड देखो, सेकेंड के अंदर मेन चेन तो ये हो जाएगी, ठीक है, मेन चेन ये हो गई, कितने कार्बन की है, छह कार्बन की। अब नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, नंबरिंग आप यहाँ से मत कर लेना कि डबल बॉन्ड को अपन एक नंबर दे देते हैं तो ये बढ़िया बात है, ठीक है, नहीं, पहले फंक्शन ग्रुप को देखो, फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे, एक दो तीन चार पाँच और छः। अब अपने यहाँ पर सब्सिट्यूएंट को लिखते हैं, सब्सिट्यूएंट एक तो ये रहा, ठीक है, एक ही है इसके अंदर, तो इसका नाम क्या होता है भाई, जब बेंजीन रिंग है वो सब्सिट्यूएंट बन जाती है, तो इसके लिए अपने नोमेनक्लेचर में इसका सब्सिट्यूएंट का नाम लिखते हैं फिनाइल, तो थ्री फिनाइल, वर्ड रूट लगाओगे छः कार्बन है तो हेक्स, सभी जगह सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, और फाइव पे क्या है आपका ईन है, ठीक है, यानी डबल बॉन्ड है भाई, फाइव पे ईन है ना, फाइव पे देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो फाइव ईन हो जाएगा, और वन पे क्या है ओइक एसिड, और ये ई आप हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा थ्री फिनाइल हेक्स ओइक एसिड, ठीक है। फिर अपने इसके ऊपर बात करते हैं, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कौन सी होगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात की है, तो ये आप सेलेक्ट मत करना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यहाँ पे दो कार्बन है ना सी टू एच फाइव, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हो जाएगी भाई, ठीक है। अब नंबरिंग आप यहीं से ही करोगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। अब अपने यहाँ पे सब्सिट्यूएंट का नाम पहले लिखो, तो छः पे आपका क्या है मिथाइल है, तो सिक्स मिथाइल, ठीक है, वर्ड रूट टोटल कितने हैं आठ, तो आठ के लिए अपन लगते हैं ऑक्ट, ठीक है, और फोर पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपन लगाते हैं आइन, तो फोर आइन हो जाएगा, और वन पे क्या है ओइक एसिड, और ये ई आप हटा दोगे, तो क्या नाम हो गया सिक्स मिथाइल ऑक्ट आइनोइक एसिड, ठीक है। और फिर फोर्थ पे चलते हैं अपन, तो फोर्थ पे देखो आप नंबरिंग का पहला नंबर कहाँ पे दोगे, इस रिंग में पहला नंबर आपको देना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, किसको देना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप को, सॉरी आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि जो इसका नाम होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा जाता है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसे मत कीजिएगा, ठीक है, मेरे लिखने में गलती हो गई, सॉरी सिलेबस में नहीं है। जब सी डबल ओ एच आप डायरेक्ट लिखते हो ना, जब उसका कार्बन काउंट नहीं होता है तो वह एज ए सब्सिट्यूएंट बन जाता है, और सब्सिट्यूएंट के लिए उसको कार्बोक्सिलिक एसिड नाम दिया गया है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, इलेवंथ क्या है, तो ये आप छोड़ दो, कर लो अपने।
ये हो गया। ठीक है, ये कर लो। हाँ, इसका तो इसका नाम आप कैसे लिखोगे? तो पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करें, तो ये तो हो जाएगी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्टेड हो गई अपनी। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने पर एक पे आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से, और वहाँ पर भी एक से कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। तो अपने एक बात तो क्लियर हो गई कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मत दो। फिर आप सेकेंड सॉरी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखो। तो यहाँ पर करने पर एक दो तीन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ पर दो पे आ रहा है, तो ये वाली प्रायोरिटी आपकी बेस्ट रहेगी। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देना। फिर अपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं, तो थ्री ब्रोमो, और फिर वर्ड रूट लगाएंगे, तो वर्ड रूट टोटल है पाँच, तो पेंट। और टू पे आपका आ रहा है इन, यानी डबल बॉन्ड आ रहा है। और वन और फाइव पे क्या आ रहे हैं, ओइक एसिड आ रहे हैं। तो 1.5 डाई ओइक एसिड लिखोगे, डाई ओइक एसिड। ठीक है, तो थ्री ब्रोमो पेंट टू इन 1.5 डाई ओइक एसिड। हमने बोला था कि अगर कोई चीज़ दो बार आती है तो उसे डाई लिखो, तीन बार आती है तो ट्राई, चार बार आती है तो हेटरा। अब यहाँ पर देखो, ये जो ई है वो कैंसिल नहीं होगा इस बार, क्योंकि यहाँ ई है तो आगे क्या है, डी है, और डी अपने ए ई आई ओ यू वाई में से नहीं है, तो ये वाला एज टू एज रहेगा। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, इतने क्वेश्चन है वो आपके ऑलमोस्टली सभी कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। अगर आपको एक दो एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अगर नोट्स दिए हैं तो वहाँ पे एक दो एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो क्वेश्चन वो कर लीजिएगा, वरना आप अपने मन से क्वेश्चन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट कर लिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड किस प्रकार से नोमेनक्लेचर किया जाता है, उसके सेकेंडरी सफिक्स वगैरह सभी पढ़ लिए हैं, और फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आप इनका यूज़ भी याद रखें। ठीक है, और अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।